बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीरीज हैश टैग इफ्तार विद इफ्रा। जब भी मैं यहाँ खड़े रह के बोलती हूँ ना, ये आती है मुझे उठा लो। ओके, वेलकम बैक गाइज। आप सभी को सातवां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सभी के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपको दे रही है वह, आप दोगे? मुझे तो दे दो, मुझे नहीं देगी, आपको देगी। ओके, तो मैं आज एक और मेरा इफ्तार रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मेरे मेन्यू में बन रहा है पिज़्ज़ा, और बहुत टाइम से मुझे खाने का मन था, पर मैं थोड़ा आलस करती हूँ पिज़्ज़ा बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बेस बनाओ, सब करो, आटा गूंदो, आटा गूंदने वाली जो चीज़ होती है ना, उसमें मेरे को वो थोड़ा बोरिंग काम लगता है। इसीलिए मैंने पिज़्ज़ा बेस जो है वो आज बाहर से मंगाया है। मैं सिर्फ उसकी फिलिंग भर के उसको रेडी करूँगी। मैं पिज़्ज़ा बेस वाला भी पिज़्ज़ा बनाऊँगी और 2-3 दिन में, तो उसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, और मैं आज बनाने वाली हूँ तेज़ आलू। तो उसके लिए हम अभी से थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं। जोहर की नमाज़ मेरी हो चुकी है, तो अभी मैं थोड़ी प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। मतलब आलू वगैरह बॉईल करके रख दूँगी, पिज़्ज़ा बेस पिज़्ज़ा बेस जो सॉस होता है वो बना लूँगी, जो हम पिज़्ज़ा में चिकन का बैटर डालने वाले हैं वो मैं भी बना के रख दूँगी। फिर हाँ, फिर बाकी का काम मैं असर पड़ने के बाद करूँगी। तो चलिए तैयारी जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को 3 विसल लगा के बॉईल कर दिया है। मैं इसको पील कर दूँगी और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको कट कर दूँगी। ये रेसिपी जो है वो एकदम झटपट बनने वाली है। ये रेसिपी मुझे सुमैया ने बताई थी, शी इज़ माई जिम फ्रेंड। मैं उन्होंने बना के लाया था, तो मैंने टेस्ट किया था, बहुत ही टेस्टी लगा था। तो मैंने उनसे रेसिपी पूछी थी, मैं तब से ही अपने घर में बनाते आ रही हूँ, और बहुत ही झटपट बनने वाली ये एकदम टेस्टी सी डिश है। तो यहाँ पर मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही हूँ, जस्ट रैंडमली। आप चाहे तो बड़े बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा का चिकन का बैटर बनाने के लिए टमेटोज और कैप्सिकम को छोटा छोटा सा काट लिया है। ग्रीन कैप्सिकम को और टमेटोज के मैंने सीड्स निकाल दिए थे। और यहाँ पर मैं थोड़ा चिकन ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास चिकन का बॉयल चिकन का कितना ज़्यादा स्टॉक है, क्योंकि वो रोज़ ही बॉयल चिकन लगती है, इसलिए मैंने एक साथ ही बॉयल करके रख दिया है। इसके बाद मैं इसमें सीजनिंग डाल रही हूँ, जो मिक्स सीजनिंग है वो डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स डाल दूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये बना के मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स अलग अलग डालने की फिर नीड नहीं होती है। ये एक ही बार मिक्सचर बना लो और एक ही चीज़ डाल दो, जल्दी से उस पिज़्ज़ा जो है वो बन जाता है। इसमें मैं हल्का सा मायोनीज़ भी ऐड करूँगी। ऐसे तो पिज़्ज़ा में मायोनीज़ नहीं डाला जाता है, पर मुझे ये जो मिक्सचर है मायोनीज़ डालकर अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा मायोनीज़ डाल दी हूँ। और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी, और ये जो मेरा बैटर है वो रेडी हो गया है। अभी यहाँ पर जो है वो मैं पिज़्ज़ा बेस सॉस बना रही हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड भी मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, इतना कुछ टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है। मैं यहाँ पे घर में बना रही हूँ, मैं यहाँ पे शेज़वान चटनी ले रही हूँ। जितनी आपको तीखा सॉस चाहिए उतनी शेज़वान चटनी डालिए। यहाँ पे मैं हॉट एंड स्पाइसी टोमेटो सॉस ले रही हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे चिली सॉस थोड़ा सा डाल दूँगी। आपके पास अगर चिली गार्लिक सॉस है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा वो ख़त्म हो गया है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली चिली सॉस जो होता है वो डाल रही हूँ, और अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारा जो है वो पिज़्ज़ा बेस सॉस रेडी हो गया है। आप सॉसेस के साथ कुछ भी खेल सकते हो, कुछ भी कम ज़्यादा करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मेरी असर की नमाज़ जो है वो हो चुकी है। अभी मैं जो है वो बनाने ले रही हूँ मेरी इफ्तारी। मैंने आधी तैयारी तो पूरी करके रख दी है, और मुझे बस थोड़ी ही चीज़ें अभी करनी है, तो चलिए वो भी जल्दी फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, और उसको पानी में भिगा कर मैंने उसको 1 घंटे के लिए सोक करके रखा था। तो अभी मैं जो है वो उसको अच्छे से मिला कर जो है वो उसका जो कचरा होता है इमली का, और सीज और कचरा जो भी है वो एक्सेस निकाल रही हूँ, और एक इमली का गाढ़ा जैसा पानी यहाँ पर मैंने रेडी कर ली हूँ। तो मैं अभी तेज़ आलू बनाने ले रही हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर गैस ऑन कर दूँगी,
ताकि ऑयल जो है वो गर्म हो जाए। तब तक ये जो मैंने इमली का पानी लिया हुआ है इसमें मैं चीज़ें ऐड कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट के बाद मैं इसमें से इसमें हल्का सा शुगर ऐड करूंगी, बस हल्का सा। इसमें मैं जो है लाल मसाला डाल दूंगी, जितना आपको तीखा चाहिए उतना आप लाल मसाला इसमें डाल दीजिए। और इसमें जो है मैं टोमेटो सॉस डाल दूंगी, बस। अगर आपके पास आलू रेडी है बॉईल करके और ये सब करके, तो ये सब बनाना जो है वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। तेल गरम हो गया, इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। तो इसमें थोड़ा सा इसमें संभाल के, क्योंकि चिली फ्लेक्स जो है वो जल जाती है, तो फौरन ही हमको ये मिक्सचर जो है इसमें डाल देना है। चिली फ्लेक्स को हमको जलाना नहीं है, बस 20 सेकेंड तक हम इसको तेल में और जो है वो भूनने देंगे, बस। और अभी हमें डाल देंगे 20 सेकेंड, मैंने वो चिली फ्लेक्स को तेल में नहीं रखा, 10 सेकेंड बस, क्योंकि वो जल जाती है। गैस स्लो करेंगे इस टाइम, इसको बस हमको 20 सेकेंड तक चलाना है। बहुत झटपट बन जाती है, आपका बस आलू बॉईल होना चाहिए और ये झटपट जो है वो ये डिश बन जाती है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, देखिए। बस अभी हम इसमें हमारे आलू जो है वो डाल देंगे। आलू डालने के बाद बस 1 मिनट तक हमको गैस को ऑफ रखना है, ऑन रखना है, उसके बाद हम ऑफ कर देंगे। बस 1 मिनट इसको इसमें हमको जो है वो इसको बस पोटैटोस पर ये अच्छे से कोट हो जाए, बस उतना टाइम। अरवा बस 1 मिनट मैं इसको रखूंगी ऐसे। ये देखिए हमारे तेज आलू जो है वो रेडी हो गए हैं। इसमें बस मैं ऊपर से कोरिएंडर जो है स्प्रिंकल कर दूंगी। देखिए देखिए कितना जल्दी ये बन गया। अब यहाँ पर जो है वो मैं पिज्जा को जो है असेंबल कर रही हूँ। मैंने ये बेस जो है वो बाहर से ही लिया है। देखिए मैंने ये बेस लिया है बाहर से। इसके ऊपर जो है मैं ये जो मैंने पिज्जा बेस सॉस जो मैंने बनाया था ये मैं डाल दूंगी। तो ये मैंने अच्छे से लगा दिया है। इसके ऊपर जो है मैं चीज डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा सा ही। तो मैंने इस पे चीज डाल दिया है। अभी ये मैं जो चिकन का मिक्सचर हमने बनाया था वो मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। ये डाल दिया है मैंने, सब चारों में इक्वली डाल दिया है। बहुत सारा चीज मैं उसके ऊपर डाल दूंगी। हमारा पिज्जा जो है वो रेडी है। अभी मैं इसको जो है इसका और चीज़ जो है वो मेल्ट कर दूंगी फ्राई पैन पे बस। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा के जो चीज़ डाला था उसको तवे पे मेल्ट कर दिया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। यहाँ पे मैं ऊपर से जो है वो ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ जस्ट फॉर टेस्ट। और ये खूबसूरत से पिज़्ज़ा जो है हमारे रेडी हो गए हैं।
शरबत आज बन रही है टैंग ऑरेंज फ्लेवर। टेस्ट तो नहीं कर सकते, रोजा है, अंदाजे से बना रहे। क्या डाले हो आपने? सॉल्ट। बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? मेरे को लगा शक्कर डाले तुमने। टैंग में शक्कर डालते? भरोसा नहीं। लाल पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डालो। डालो। बन गई। कौन सा हाथी लगा रखा है इसमें? टैंग शरबत बन गई। अजान कभी होगी? छोटी सी गुलिया, ये मेरी छोटी सी गुड़िया, चलो उठ जाओ। अरवा उठ जाओ या बेटा, चलो। ये अभी तक सो रही है, बिन वक्त सो रहे हो बेटा आप। उठ जाओ, रात में क्या करोगे? अरवा रात में क्या करोगे? रात में क्या करोगे? तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उठ जाओ, वेरी गुड। मेरा बच्चा मेरी एक आवाज में उठता। कभी कब सो रहे हो आप? ईशा की अजान आ रही है, देखो अभी उठे हो, रात में कब सोओगे? बाल की हालत तो देखो, चलो बाल बनाएंगे अभी। कभी कब सो रही थी? अभी रात में बहुत सताएगी, अभी एक बजे तक नहीं सोएंगे रात में, है ना? बस अभी छोड़ दो ब्लैंकेट। वापस सो रही है, वापस सो रही है, वापस सो रही है। बाय बाय।